जय हिंद बच्चों क्वेश्चन है एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग द साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज यानी जो साउदर्न हाइब्रिडेशन टेक्निक है इनमें से क्या इस्तेमाल नहीं होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस ब्लॉटिंग ऑटो रेडियोग्राफी और पीसीआर सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एक टेक्निक होता है जिसे कॉमनली हम लोग साउदर्न ब्लॉटिंग के नाम से जानते हैं इस साउदर्न ब्लॉटिंग में हम सेपरेशन करते हैं किसका डीएनए का ऐसा डीएनए फ्रैगमेंट जिसका मोलिकुलर वेट या साइज का डिफरेंस बहुत कम है उन मिनिमम डिफरेंस वाले डीएनए फ्रैगमेंट्स को भी हम साउदर्न ब्लॉटिंग के थ्रू बहुत ईजिली सेपरेट कर डालते हैं अब अगर इसके मेथोडोलॉजी को समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में हम लोग करते क्या क्या है सबसे पहले जिस डीएनए का सेपरेशन करना है उस डीएनए को इन डीएनए को हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट कर देते हैं डाइजेस्ट करना यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के प्रेजेंस में इस डीएनए को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में सेपरेट कर देना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डीएनए को हम लोग डाइजेस्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अब हमें क्या मिल गया ढेर सारे फ्रैगमेंट मिलेंगे फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए अब इस डीएनए फ्रैगमेंट्स को अब इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू फोरेसिस के थ्रू हम लोग क्या कर देते हैं सेपरेट कर देते हैं ठीक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अभी जो डीएनए फ्रैगमेंट का सेपरेशन हुआ है सेपरेशन के बाद हम क्या करते हैं इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द इनक्यूबेशन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड अब यहाँ से जो प्रोसेस है हम क्या करते हैं डीएनए इज डी ने सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करवा देना डीएनए इज डी नेचर्ड इंटू सिंगल स्ट्रेंड इंटू सिंगल स्ट्रेंड्स बाई इंक्यूबेशन विथ एन एच बाई इंक्यूवेशन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था ये कैसा हो जाता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एन अभी जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हमें मिला इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को हम एक अलग ही मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं है ना जिस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं ब्लॉटिंग पेपर नाउ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एस एस Is it transferred? Is it transferred to a membrane? To a membrane which is a seat of seat of special. ब्लॉटिंग पेपर ठीक है अब इस ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर ट्रांसफर करने के बाद पैटर्न के पास वो जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है उसी तरीके से अपने आप को सेपरेट करता है जैसे जेल में है यानी द डीएनए फ्रैगमेंट्स the dna fragments retain the same retain the same pattern of separation edge on the gel as on the gel इसी मेथोडोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं ब्लॉटिंग यानी एक तरीके से सेपरेट करना किसका डीएनए का जो सिंगल स्टैंडर्ड है अब इस काम को करने के बाद नाउ द ब्लॉट जो सेपरेटेड डीएनए पैटर्न है जिसको हम लोग ब्लॉटिंग बोल रहे हैं, यानी जो है, इस ब्लॉट को इनक्यूबेट करते हैं विथ प्रोब द ब्लॉट इज इनक्यूबेटेड जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है रेडियो लेबल्ड होता है इसके बारे में थोड़ा सा अलग से बात अपन करेंगे प्रोब विच इज सिंगल स्टैंड विच इज सिंगल स्टैंडीएनए अब ये जो प्रोब है ये प्रोब क्या करता है जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है इस डीएनए फ्रैगमेंट का इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन कर, कर लेता है इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस पेयरिंग कर लेता है नाउ दिस प्रोब विल फॉर्म बेस पेयर विथ इट्स Complementary DNA sequences and bind to form a double stranded double stranded. डीएनए यानी जैसी प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ बाइंड किया तो क्या बना दिया सिंगल से डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जो प्रोब होता है मैंने पहले ही बता दिया सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है और ये प्रोब रेडियो लेबल्ड भी होता है ये रेडियो लेबल्ड भी होता है ठीक है अब जहां पर प्रोब बाइंड किया है और डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा जैसी ऑटो रेडियोग्राफी हम करेंगे तो प्रोब अलग ही दिखाई देने लगेगा और प्रोब के दिखने के कारण वो डीएनए का स्ट्रेंड जो पार्टिकुलर सीक्वेंस है पार्टिकुलर सेगमेंट है हमें वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा यानी द लोकेशन ऑफ द प्रोब द लोकेशन ऑफ द प्रोब इज रिविल्ड वेन इट इज एक्सपोज टू एक्सरे फिल्म और इसी फिल्मिन को हम लोग क्या बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी ठीक है यहां से हम उस पार्टिकुलर डीएनए को आइडेंटिफाई कर लिए ये तो पूरा साउदर्न ब्लॉटिंग का हाइब्रेडेशन टेक्निक है जो मैंने आपको यहां पर समझाया है ठीक है यानी आप इसमें देखो तो हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस को भी इस्तेमाल किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ब्लॉटिंग को भी इस्तेमाल किया और ऑटो रेडियोग्राफी का भी इस्तेमाल किया हमने जो इस्तेमाल नहीं किया यानी क्वेश्चन में यही है कि डू नॉट यूज हमने पीसीआर सी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इस्तेमाल नहीं किया इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो पीसीआर थोड़ा सा पीसीआर के बारे में जान लेते हैं पीसीआर क्या होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए एम्प्लीफिकेशन ऑफ डी अब यहां पर तीन स्टेप्स इन्वॉल्व होता है पहला स्टेप को हम लोग बोलते हैं डी जिसमें हाई टेम्परेचर पर ले जाकर के मोर देन 90 डिग्री सेल्सियस दोनों डीएनए स्ट्रैंड को हम लोग सेपरेट कर देते हैं सेकंड स्टेप को हम लोग बोलते हैं एनिलिंग एनिलिंग के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है फोर्टी टू सिक्सटी डिग्री सेल्सियस इसमें हम लोग क्या करते हैं दोनों प्राइमर का एडिशन करवाते हैं है ना और जो थर्ड स्टेप होता है इस स्टेप को बोलते हैं एक्सटेंशन एक्सटेंशन में विद द हेल्प ऑफ टैग पॉलीमरेज जो एक टाइप का डीएनए पॉलीमरेज है हम एक डीएनए से दो डीएनए बना लेते हैं न्यूक्लियोटाइड के एडिशन के बाद है ना और ये साइकिल रिपीट होता जाता है रिपीट होता जाता है और फाइनली एक डीएनए से बिलियंस ऑफ डीएनए आफ्टर थर्टी साइकिल हम लोग प्रोड्यूस कर डालते हैं ठीक है यानी इस क्वेश्चन के लिए जो सही जवाब है वो है डी बेस्ट ऑफ लक